क्या है सर्विस, इनको करने ही कुछ नहीं आता। ये ऐसा अशर कर रहे हैं जैसे कि फ्री में गाड़ी ली है। अब मैं कर रहा हूँ इनपे कोर्ट केस। ये फॉल्टी गाड़ी लोगों को चेपे जा रहे हैं। किसी भी इंडियन ब्रांड की मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। गाली गलौज तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि रेपुटेशन अपनी भाई मार्केट में, इनकी तो कोई रेपुटेशन है नहीं। इतनी इंसल्ट कर रहा भाई वो बंदा बैठा हुआ, थोड़ा चाय वाला भी चाय से पिलाता है जैसे भीख पिला रहा हो आपको भाई। बहुत ज्यादा यार प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। झगड़ा करना पड़ा मुझे फाइनली से। कहते बेइज्जत कर देते ना आदमी की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता था, आज ये वीडियो थोड़ी सी हटके है। प्लीज वीडियो पूरी देखना और हो सके तो लोगों को शेयर जरूर करना। मैं बताऊंगा रियलिटी क्या है, मेक इन इंडिया हम सपोर्ट करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज से मेरा स्टैंड चेंज हो गया है। प्लीज वीडियो देखिए। ये जो कुछ भी हुआ है मेरे आप बीती पे है। मैं 10-11 बार आ चुका हूँ एक सेम इशू के लिए। जब आपकी R&D ही पूरी नहीं है तो आप गाड़ियाँ लॉन्च कर देते हो, बाद में क्लाइंट रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं। मेरे साथ ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो बहुत ही दिल पे पत्थर रखने के बाद मैं ये बात बोलता हूँ, आज के बाद मैं कभी मेक इन इंडिया ये जो गाड़ियाँ हैं जो बनती हैं टाटा महिंद्रा को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है। टाटा का फिर भी मैं अपर हैंड रखता हूँ कि उन्होंने कोई तकलीफ आने नहीं दी, बहुत इंप्रूव कर। पर महिंद्रा की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है। ऐसे एम्प्लॉय रखे हुए हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी से भी बात कर लो, किसी से बात कर लो, कुछ भी कर लो, उनके लिए हमारा जो भेड़ बकरी है उनके लिए हम भेड़ बकरी की तरह आते हैं। वो हमें ऐसे बिठा रखते हैं, बिठाए रखो कर रहे हैं, लंच टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब कोई हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है उनके लिए। महिंद्रा वालों के लिए हम सिर्फ भेड़ बकरी के अलावा कुछ भी नहीं है। जितना मर्जी काट दो मिमियाते रहेंगे, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। ये तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब मैं उनको पता है कि मैं यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब लोगों को अवेयर भी करूँगा, तब जाके ये हाल है। एक आम आदमी का क्या हशर करते होंगे ये। वाह वाह महिंद्रा वाह, मतलब आप गाड़ियां बेच दोगे, धड़ल्ले से बेच दो, वेटिंग कर दो, चलो तुम जो कर रहे हो करो, सर्विस तो ठीक कर लो अपनी। मतलब आदमी आपके पास घंटों बैठा रहता है, मैं 10,000 रुपए खर्च कर चुका हूँ तुम्हारे पास अपने डीजल का, और टाइम जो मैंने कर दिया लाखों रुपए का उसकी तो कोई हो ही नहीं है। जो हरासमेंट है वो अलग है। अब मैं केस फाइल करूंगा आप लोगों के ऊपर, कंज्यूमर फोरम में जाऊंगा या जो भी लीगल एडवाइस लेके तब आगे प्रोसीड करेंगे। बट मैं बहुत ही फेड अप हूं आप लोगों के रिस्पॉन्स से। सर्विस टीम को जरूर टाइट कीजिए आप लोग, बहुत समझाइए उनको, ट्रेन कीजिए, स्किल कीजिए, वरना ये बैंड बजा देंगे। अब मैं तो हट ही गया आप लोगों से, मेक इन इंडिया टाटा ये महिंद्रा से, सर्विस से परेशान हो गए। महिंद्रा की सच्चाई है बेसिकली, आप गाड़ी बेच दो, गाड़ी अच्छी बना के बेच दी आपने, दिक्कत आ गई तो भाई साहब हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो सच्चाई है तो वीडियो देखिए और भाई प्लीज शेयर कर देना ताकि जैसे मैं फंसाऊं कोई और ना फंसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। कैसे हैं आप भाई? मानसून आ गया है हमारे गुड़गांव में, तो मानसून आ गया है और पूरे इंडिया में ही मानसून आ गया है और काफी अच्छी बारिश हो रही है गुड़गांव में। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था आपसे। फिर ये मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट ही नहीं है फ्रंट वाली, मतलब किसी ने खोल लिया, क्योंकि अगर वो लटकती तो दोनों जो स्क्रू है दोनों कैसे खुलते, इतने नीटली वो खुले हुए हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं, दोनों के दोनों। नंबर प्लेट का भाई, नंबर प्लेट का क्या फायदा होगा किसी का लेने का? गिरती तो एक स्क्रू निकलता तो मुझे मालूम पड़ जाता लोहे की, अभी कुछ आगे आवाज आती। तो अब ये भी एक स्यापा हो गया, अब नंबर प्लेट लेनी पड़ेगी। मैं जाऊंगा महिंद्रा के शोरूम पे, लेकिन यह है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और मैंने अपने रिकॉर्ड रख लिए कि भाई कल कोई नंबर प्लेट लगा के आगे कोई कांड वांड कर दे तो आपके भाई पे क्लेम नहीं होना। आए आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आप भी पुलिस को इन्फॉर्म जरूर कर देंगे, वो मैंने कर दिया है। तो वैसे आपको पता है 112 होता है, उसमें डायल कर दीजिए, पुलिस आपको आ जाती है और आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प हो जाती है। और आज जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैंने डाली थी एक वीडियो कि आई एम सेलिंग माई स्कॉर्पियो N, ठीक है भाई, लेकिन जैसे वीडियो डाली मैंने तो मुझे लगता है कि उस वीडियो का इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है और मेरे पास फोन आ गया उनके, फिर वही सर्विस सेंटर का फोन आ गया कि कौशिक जी आपकी वीडियो देख के हमारे हेड ऑफिस वालों ने कहा है ये क्या हो रहा है, तो मेरे को दोबारा बुलाया उन्होंने। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उस सर्विस सेंटर पे अगर ट्रिप ए और ट्रिप बी वाली दिक्कत होगी तो मैं चला जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो लेकिन अब क्या कि वही दिक्कत है तो मैं जा रहा हूँ उनके सर्विस सेंटर पे क्योंकि उन्होंने बुलाया है और आज वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई ये प्रॉब्लम को भी मैं कंटिन्यू करूंगा और फिर मैं जिस भाई को भी गाड़ी बेचूंगा ये कह के बेचूंगा भाई इसमें ये तुम ठीक करा सको तो करा लेना। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना ट्रिप ए और ट्रिप बी की 0-0 होने का बार बार, ये सिर्फ Z4 के अंदर प्रॉब्लम है।
Z4 से ऊपर वाले मॉडलों में यानी कि Z6 में ये प्रॉब्लम नहीं है। उसमें एप्पल कारप्ले वाला की दिक्कत थी तो वो उनको शायद सॉल्व कर दी है, और ये वाली भी कहते हो गई है। मेरी गाड़ी में ये नहीं कर पाए, हेड ऑफिस से कोऑर्डिनेट हुआ, क्या हुआ, इनके समझने में कमी होगी। वैसे मेरी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस गाड़ी को जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था बोला था आई एम सेलिंग माई स्कॉर्पियो, है इसलिए बेचा कि भाई मतलब आज तो चलो ठीक है, अभी नई गाड़ी है, हॉट केक की तरह बिक रही है, मेरा भी बिक जाएगी, क्योंकि इनको सॉल्व करना चाहिए। हेड ऑफिस वाले पता नहीं क्या R&D क्या है, छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई वेंडर चेंज करना है वेंडर चेंज करो, क्या है, ट्रिप ए और ट्रिप बी बार बार जीरो हो रहा है भैया। और ऐसा नहीं कि नई गाड़ियों में हो रहा है। मैं अभी सर्विस सेंटर पे पहुंच चुका हूं, वही है जहां मैंने आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी है। बट आप मानोगे मैं इस सेम प्रॉब्लम के लिए कम से कम 10 बार आ चुका हूं, सेम प्रॉब्लम के लिए, ट्रिप ए और ट्रिप बी के लिए 10 बार का मतलब है आया भी गया, और मेरे घर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो 20 किलोमीटर, यानी कि मैं ऑलमोस्ट 10,000 रुपये इस पर खर्च कर चुका हूँ आने जाने पर, सिर्फ ये करने के लिए मेरा ट्रिप और ट्रिप पे। अब इसकी तो कोई रिकॉर्ड महिंद्रा के पास नहीं है ना, मतलब प्रॉब्लम इनकी है, नुकसान हमारा है। टाइम दिया मैंने वो अलग है, आप लोगों को बार बार एक ही चीज सब्जेक्ट वीडियो मिल रही है, आप लोग भी परेशान है यार, क्या कौशिक जी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही आपकी, तो चलते हैं आज देखते हैं आज ये क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को फिर बुलाया फोन करके। नंबर प्लेट तो है लेकिन मैं अगर दिखाऊं आपको आगे की नंबर प्लेट मेरी है ही नहीं, तो ब्रो कितने स्मार्टली बंदे ने क्या है ये पता नहीं, क्या कोई तोड़ फोड़ नहीं है, गिरती तो एक गिरती, ये दोनों गिरी हुई है भाई। चलो मैंने तो अपना कंप्लेंट पुलिस में कर दी है, और देखते हैं कुछ हुआ तो आपसे शेयर करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं अपने हम DM महिंद्रा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। तेना भाई गजब बेइज्जती है। मैं आगे गाड़ी लेके मैंने सर्विस हेड से कहा भाई ये ऐसी दिक्कत है, तो कह रहे कि भाई आपको यहाँ थोड़ा आने के लिए कहा था, आपको तो हमने सेक्टर 14 में आने को कहा था। फिर बगल में अनुराग भाई बैठा था, उसने कहा नहीं भाई यहीं आने के लिए कहा था, और जो साहब ने मुझे बुलाया था राणा जी राहुल वो छुट्टी पे है, पर कोई नहीं, वो कह रहे हैं भाई जी वही प्रोसेस चालू होगा, जो पहले हुआ था ये हुआ था वो हुआ था। मैंने कहा भाई जो भी करना है ना तुम कर लो, आज के बाद या तो तुम कर दोगे इसको, नहीं तो भाई बस अब बहुत हद ही हो गया, मतलब गजब बेइज्जती है आदमी की, इतनी बेइज्जती करानी, यहाँ आ जाओ सारा चाय भी ऐसे पिलाता, चाय वाला जाए कि भीख पिला रहा हूँ, मतलब मैं गाली का मुझे शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, कर नहीं सकते हम, लेकिन इतनी गलत तरीके से कॉफ़ी पिला रहा बंदा, जैसे कि फ्री में पिला रहा हो। DM महिंद्रा का नहीं है भाई, आखिरी बार है बस ये, बस आप तो ना आग सी लग गई है तन बदन में। चलो भाई देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो भी शेयर करेंगे, लेकिन बहुत बुरा फील हो रहा है भाई। तुम गाड़ी में कोई कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है, 11:30 बजे के आसपास मैं 11:20 पे मैं गाड़ी ले गया था, और 11:20 से लगा लो अभी घड़ी में बज गए हैं 12:30, अभी गाड़ी यूं की यूं खड़ी है यार। ये क्या हो गया, गाड़ी का ये भी निकल गया मेरा तो यार, देखना ये भी लगवाना पड़ेगा भाई, ये भी निकल गया, पपलेट निकल गई, ये हो क्या रहा यार। ये लगवाना पड़ेगा, पर अभी तक गाड़ी के अंदर कोई बंदा है ना बंदे की जात है, सब है खाली बैठे हुए, बहुत ही मतलब पैथेटिक एक्सपीरियंस हो गया मेरे पास तो आ गया। चलो अब मैं आ गया हूँ तो देखता हूँ शाम तक क्या होता है क्या नहीं होता, कोई इतना ढीला रवैया तो मैंने कभी देखा ही नहीं भाई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, झगड़ा करना पड़ा मुझे फाइनली से, तो अब मैं गाड़ी की चाबी ले रहा हूँ इनसे, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करानी मेरे को, मतलब कहते बेइज्जत कर देते ना आदमी की, वो करा के निकल रहा हूँ मैं आज ये महिंद्रा केस से। आप देख लीजिए चाबी ले रहा हूँ इनसे और जा रहा हूँ अपने घर भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा इंसल्ट किसी आदमी को हो सकता है ना महिंद्रा सर्विस सेंटर पे, ये सेक्टर 61 में है DM में भाई, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बंदे ने बुलाया मुझे जो राहुल जी ने बुलाया मेरे को, वो खुद ही करे, मैं हूँ नहीं जो आपको। चाबी दियो भाई उस वाली गाड़ी की स्कॉर्पियो। हाँ वो दे दे चाबी भाई। तो भाई आज हम मैंने पहले कहा था मैं आऊँ दोबारा नहीं आऊँगा, फिर मेरे को बुला लिया इन्होंने, दोबारा बुलाया है मेरे को, हेड है यहाँ पे उन्होंने बुलाया है, वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं आपको बुला लिया किसी और ने भाई, आपको तो सेक्टर 14 में जाना था यार। गजब मतलब इतनी इंसल्ट तो मैंने कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं की, झगड़ा ही करना पड़ा फाइनली मेरे को, तो अब तो शायद मुझे अपनी स्कॉर्पियो बेचनी ही पड़ेगी,
क्योंकि ये हेल्पलेस है, कुछ आता होता कुछ नहीं है। हेड ऑफिस से कह रहे हैं, हम हेड ऑफिस से पता कर रहे हैं, हेड ऑफिस से पता कर रहे हैं। मैं 11:20 पे ही आया था, अभी घड़ी में 1:15 बजा हुआ है, 1:30 बजे तक ये अपना ला भाई दे दो, ये भाई चाबी ले लिया मैंने अपनी वापस और अब जा रहा हूँ मैं। अब शायद मैंने बताया था आपको, पिछली बार ही बोला था यहाँ ब्लॉग में मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो फाइनली इन्होंने ऐसा हालत कर दिया है। अगर महिंद्रा की गाड़ी कोई खरीद रहे हो आप, हम तो यूट्यूबर, हमारे साथ ऐसा हो रहा भाई, तो भाई सोच समझ के खरीदना। बैंड बजा के रख दिया उन्होंने मेरा बैंड, सड़क करने को पता नहीं क्या करते हैं। देख इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने तो पहली बार देखी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के मेरी बात का दर्द का समझ आ रहा होगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को इतने लोगों शेयर करो कि जो महिंद्रा की ये क्या है सर्विस, इनको करने कुछ नहीं आता, बुलाने के बावजूद भी ये ऐसा असर कर रहे हैं जैसे कि फ्री में गाड़ी ली है। अब मैं कर रहा हूँ इन पर कोर्ट केस, अब मैं करूँगा केस कि भाई इन्होंने मेरे को गाड़ी फॉल्टी गाड़ी ये दी है, दिस इज़ अ फॉल्ट। अगर ये अपडेट नहीं कर पा रहे, 7 महीने मेरी गाड़ी को लिए हो गए, तो ये फॉल्टी गाड़ी महिंद्रा कैसे बेच सकता किसी को, ये फॉल्टी गाड़ी लोगों को चेपे जा रहे हैं। चलो चलो ठीक है, भी कंप्लेंट आ गई, मैं टाटा महिंद्रा को सपोर्ट करता हूँ आज भाई, बोल रहा हूँ आज के बाद ना टाटा को सपोर्ट करूँगा ना महिंद्रा को सपोर्ट करूँगा, किसी भी इंडियन ब्रांड की मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। गाली गलौज तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि रेपुटेशन अपनी भाई मार्केट में, इनकी तो कोई रेपुटेशन है नहीं। इतनी इंसल्ट कर रहा भाई वो बंदा बैठा हुआ, थोड़ा चाय वाला भी चाय से पिलाता है जैसे भीख पिला रहा हो आपको, जैसे भीख में कुछ दे रहा हो। और वो विवेक जो भाई हेड है यहाँ पे, मैं थक गया भाई, उसको आता ही नहीं है कुछ करना यार, फोन मारो मैं छुट्टी में हूँ जी, ठीक है भैया। फिर मैं इन्होंने एक बार भी फ़ोन किया मेरे को, एक बार भी इन्होंने मेरे को फ़ोन नहीं किया अब तक। जब मैं वीडियो डालता हूँ तो हेड ऑफिस का हेड फोन आता है, इनका फोन आता है, आता हूँ तो छुट्टी है भाई साहब। तो आज के बाद टाटा महिंद्रा का सपोर्ट बंद, चाहे कुछ भी हो जाए भाई साहब, ये सिर्फ माल चेपते हैं अपने इंडिया वालों को और उल्लू बनाते हैं। ये बाहर की कोई कंपनी होती ना तो तब मैं बात करता, और अब मैं सीधा करूँगा इनके ऊपर केस कि मेरी गाड़ी फॉल्टी गाड़ी बेची। और जो भाई आप देख रहे हो, तो सोच समझ के महिंद्रा का माल खरीदना, स्पेशली महिंद्रा का, सब बेच चुके गाड़ी इनके, सब बेच रहे हैं, जोकिया गाड़ी खरीद रहे हैं, सब बेच रहे हैं। अगला नंबर आपके भाई का है, बहुत ही मन उदास है। अब जा रहा हूँ मैं अपने घर, प्लीज़ शेयर जरूर करना इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर करना भाई। हर आदमी वो पीछे और झगड़ा चल रहा है। अच्छा अभी इनका 1.5 घंटे से बैठा हूँ मैं, हेड ऑफिस वालों को अप्रूवल ही नहीं दी इनको दिया ना, हेड ऑफिस देंगे अप्रूवल देंगे तो भाई क्या करोगे आप, लंच टाइम हो गया, 1 घंटे का 1.5 आधा घंटा पौने घंटा लंच टाइम इनका, 2:30 बजे गाड़ी में बैठेंगे, हाँ जी कर दिया। तो बहुत ही भारी मन से मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप मेरे दर्द को समझिए, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो फॉर कंसर्न अथॉरिटी। मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, चलती रहेगी, मैं इस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये गाड़ी यूं चलती रहेगी। और मैं इनके अब अपने लीगल टीम से बात करता हूं और भाई अब तो केस ही करूंगा इनके ऊपर मैं। 18,40,000 रुपये मैंने दिए इस गाड़ी के, क्यों एक फॉल्ट है मेरी गाड़ी के ऊपर, क्यों है वाय। चलता हूं भाई लेके, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंसल्ट फील हो रहा है मेरे को आज, 20 लाख रुपये गाड़ी देने के बाद इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, एक पैसे की शर्म नहीं है लोगों को यार, इतने बेशरम लोग हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि दिल मेरा, आप समझ आओगे मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है। और करो मेक इन इंडिया को सपोर्ट भैया, और करो मेड इन इंडिया को सपोर्ट, ये है इनकी औकात। महिंद्रा वाले सुन रहे हैं मेरी बात को भाई, महिंद्रा ने तो चलो टाटा में मेरी इतनी दिक्कत कभी नहीं हुई, उस टाइम गाड़ी में फॉल्ट मेरे को नहीं दिक्कत हुई भाई, महिंद्रा ने तो तेरी कसम, मतलब वो हो कितनी घमंड है भाई लोगों में। और वो विवेक तो भाई बात ही नहीं सुनता, उनके हेड ने कहा कि एक बार बात कर लो, राहुल शर्मा जी है रीजनल हेड कहते हैं वैसे, बंदे ने अनुराग को फोन दे दिया कि आप बात करो, गाड़ी छोड़ जाइए आप। मैंने कहा मैं गाड़ी छोड़ देता हूँ, दूसरी गाड़ी दे दो मेरे को आप, कहते हमारी गाड़ी नहीं होना, कह रहे आप एक काम करना कैब में जाते हो, कैब के पैसे लेना हमसे। यार अजीब आदमी हो तुम लोग, मतलब मैं आपको यहाँ पे कैब के पैसे लेने के लिए बैठा हूं, मैं 10 आज 11वीं बार आया था, बुलाने के बाद ये है यार, बुलाने के बाद ये है, हंसी भी आ रही है मुझे अपने ऊपर कि रास्ते खुद ही तबाही के निकाले, हमने कर दिया दिल महिंद्रा के हवाले हमने, हमको मालूम है क्या चीज मोहब्बत लोगों, घर फूक के देखे हैं उजाले हमने, ये है सपोर्ट महिंद्रा को करने का, सब इंडिया के मेक इन इंडिया ब्रांड को सपोर्ट करने का, ये है शिला।
अब मैं इस ट्रिप ए और ट्रिप बी की ऐसी की तैसी, साला चलती रहेगी गाड़ी ऐसी, मैं नहीं आऊंगा इनके बाद ठीक कराने के लिए। और इस ऑफिस में तो ये जो है तो कभी जिंदगी में ना हूं मैं आज के बाद, ना सर्विस कराऊंगा ना कुछ आऊंगा। और राहुल राणा जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज यार ऐसा मत करो, आप बंदों को बुला लेते हो यार। आपने वो करे विवेक जी, मुझे बताया नहीं आप लोगों ने, क्या मतलब यार, क्या है यार ये, क्या है यार इतना साला, मतलब दिल दुखा दिया उन्होंने मेरा, दिल दुखा दिया। नहीं भाई नहीं, मतलब कभी मैंने और भी गाड़ियां ब्रांड यूज किए, कभी कोई ये है क्या यार। चलो कोई नहीं, जो होना था सो गया, लेकिन मत खरीदना भाई, मत खरीदना महिंद्रा की गाड़ी कभी भूले से मत खरीदना, ओपनली बोल रहा हूं। इसलिए नहीं गाड़ी खराब बनाता है, गाड़ी तो देता है, अभी जो डिलीवरी का चल रहा है अलग बना दे, लेकिन सर्विस तो यही लोग करते हैं। आप ट्रिप ए और ट्रिप बी को ठीक है आप बुलाओ मत, कोशिश नहीं भैया हमारी तो गाड़ी दिक्कत चल रही है, हम आपको साल डेढ़ साल में करके देंगे, दो साल में करके देंगे, ठीक है भाई ठीक है देखा जाएगा। आप बुला रहे हो बंदों को यार, 11th time 10,000 रुपए मेरे खर्च हो चुके, 10,000 रुपए। अब वो कह रहे हैं भाई से कोशिश आप अपनी गाड़ी छोड़ जाओ और जो कैब खर्चा हो वो आपको दे देंगे। साला मैं भी काम करता हूँ, गाड़ी बेच के ना बैंक में एफडी कर देता हूँ और कैब ही यूज कर लेते हैं, फिर भाई जरूरत क्या मुझे इनकी गाड़ी खरीदने के लिए। तो फ्रेंड वीडियो को शेयर करो, प्लीज शेयर करो, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, कंसर्न अथॉरिटी और लोगों तक पहुंचा दो इस वीडियो को, ताकि कोई आदमी जैसे हम फंसे हैं आप ना फंसो। ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम तो बताता नहीं मैं, ये तो स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम है, वो तो शेयर ही नहीं करता। छोटे छोटे अपना ब्रांड, अपना ब्रांड, अपना ब्रांड, ये अपना ब्रांड।